हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम टू राइट गाइडेंस एंड एम्बिशन। माई नेम इज़ अंजलि। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री 6 सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। होप आपने वो सारी वीडियोज अच्छे से देख ली होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब अगर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें वो आपके एंटायर सिलेबस में से आने हैं। सो इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस की जब आप तैयारी करोगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तो प्रिपरेशन होगी ही उस चैप्टर में से, साथ के साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस मेजरली उसी चैप्टर के डिस्कस करूँगी जो मैंने आपको बताए थे कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस में तैयार करेंगे। आपको याद होगा कि सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के अंदर मैंने हर यूनिट में एक चैप्टर आपको स्किप करने के लिए बोला था, जो कि मैं आपको एंड में जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादातर उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं जो मैंने स्किप किए थे। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस उन चैप्टर्स के भी ऐड कर दिए हैं जहाँ से हमने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि जो शायद लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर नहीं हुए हैं, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस भी आपके इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरीके से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एंटायर सिलेबस जो है कम्प्लीट हो जाएगा। बस आपकी एक मैप वाली वीडियो रहती है, वो भी आपकी एक या दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगी। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, राइट 4 इकोनॉमिक कॉजेज विच लेट टू न्यू इंपीरियलिज्म। यानी क्या इकोनॉमिक कॉजेज है जिसकी वजह से न्यू इंपीरियलिज्म इरा जो है स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, की इंडस्ट्रीज लगनी स्टार्ट हुई तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, जिसकी वजह से कंट्रीज ने वेपन्स की मदद से कंट्रीज को अनैक्स यानी कब्जा उन पर करना स्टार्ट किया। सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर रॉ मटेरियल, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। थर्ड, सर्च फॉर फ्रेश मार्केट ओवरसीज फॉर सेलिंग सरप्लस मैनुफैक्चर्ड गुड्स। अब इंडस्ट्रीज की मदद से इतने ज्यादा मैनुफैक्चर्ड गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस कर लिए कि उन्हें बेचने के लिए भी अब मार्केट चाहिए थी। तो उस मार्केट वो कहाँ पे उन्होंने डेवलप किया, कॉलोनीज में, यानी उन्होंने वेपन्स की मदद से कॉलोनीज जो है वो एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। फोर्थ पॉइंट है रेवोल्यूशन इन द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिला, जिसकी वजह से न्यू इंपीरियलिज्म इरा जो है स्टार्ट हुआ। अगर आपने इंपीरियलिज्म पे वीडियो देखनी है तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर बनी हुई है। मैं ज़्यादा डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लगे थे डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम टू कॉन्टिनेंट विच वर एडवर्सली अफेक्टेड बाय न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म के आने से दो कॉन्टिनेंट जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा कॉलोनीज बनाई गई हैं या जिन्हें एक्सप्लॉयट किया गया है, तो पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, सेकेंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गॉट मैक्सिमम शेयर इन द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। जब अफ्रीका डिवाइड हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस कंट्री को पहुंचा था, इंग्लैंड को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज स्क्विज कैनाल ओपन्ड। स्क्विज कैनाल यानी एक नहर है जो कि बनाई गई थी, जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये स्क्विज कैनाल बनाया गया था 1869 को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज रूसो टर्किश वॉर फॉट, हु केम आउट विक्टोरियस। सो रशिया और टर्की के बीच में वॉर कब हुई थी, 1877 टू 1878, और कौन जीता था उसमें, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज कांग्रेस ऑफ बर्लिन हेल्ड, राइट द नेम ऑफ फोर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ यूरोप हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हु वॉज इट्स प्रेजिडेंट। सो कांग्रेस ऑफ बर्लिन, ये जो एक कॉन्फ्रेंस है ये हुई थी 13 जून 1878 को, और जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहले बिस्मार्क जो चांसलर थे जर्मनी के, सेकेंड है एंड्रेसी जो कि चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, थर्ड गॉर्चकोव फॉरन मिनिस्टर ऑफ रशिया, एंड फोर्थ डिजरेली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो ये फोर मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस ऑफ बर्लिन में पार्टिसिपेट किया था। मार्क एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एट द बर्लिन कांग्रेस, और बर्लिन कांग्रेस में जो एज अ प्रेसिडेंट जिन्होंने वर्क किया वो कौन थे, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द बर्लिन कांग्रेस 1878। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका मेन एम क्या था, टू वीकन रशिया एंड बल्गेरिया, टू चेक द रशियन इन्फ्लुएंस इन द बाल्कन्स। तो रशिया और बल्गेरिया को ये वीक करना चाहती थी पावरफुल कंट्रीज सारी एक साथ मिलकर, और रशिया का जो इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता जा रहा था बाल्कन वाले रीजन में उसको कम करना चाहते थे, टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ टर्की। उस टाइम पर टर्की कंट्री को कहीं रशिया अनैक्स ना कर ले, जो उसकी इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बर्लिन ट्रीटी ऑफ 1878 प्रूव टू बी अ कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो बर्लिन ट्रीटी हुई थी 1878 में, यही कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। कैसे, द डिप्लोमैट्स इन देयर डिसीजन एट द कांग्रेस ऑफ बर्लिन
अनोइंगली सोड द सीड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914. तो यहाँ पर जितने भी डेलीगेट्स या डिप्लोमेट्स थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था अनोइंगली, यानी उन्हें पता नहीं था, बट उन्होंने कुछ डिसीजंस या पॉलिसीज इस तरीके की बनाई, इसमें ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से ये कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का. क्रिएटेड मेनी न्यू प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन. तो उन्होंने बहुत सारी न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी इंस्टेड की जो पुरानी, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस हुआ था कि पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, वो तो हुई नहीं, बल्कि न्यू प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो गई इस कॉन्फ्रेंस से. देयर एक्शंस एंड सेटलमेंट्स मेड द ईस्टर्न क्वेश्चन ऑल मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड. जो भी उन्होंने एक्शंस लिए, जो भी उन्होंने सेटलमेंट्स किए, तो उससे जो ईस्टर्न क्वेश्चन है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज थी जो कि बहुत वीक थी, जो कि कभी भी कोई भी इनैक्स कर सकता है, वो और ज़्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई इस बर्लिन ट्रिटी के साथ. अपार्ट फ्रॉम द बाल्कन कॉम्प्लिकेशन, द बर्लिन सेटलमेंट लेड टू द सीरीज ऑफ अलायंसेस बिटवीन द यूरोपियन पावर्स विच अल्टीमेटली डिवाइडेड द टू राइवल कैंप्स एंड इग्निटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914. अब इस ट्रिटी के बाद क्या हुआ कि दो राइवल ग्रुप्स जो थे वो मेजरली बन गए, यानी कि दो दुश्मन ग्रुप्स बने, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर वन जो है देखने को मिलता है 1914 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फोर लीडिंग पर्सनालिटीज हु टुक एक्टिव पार्ट इन द पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ 1919, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस. तो चार मेन पर्सनैलिटीज बतानी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था पीस कॉन्फ्रेंस में जो कि 1919 में हुई थी, और कौन प्रेजिडेंट था इस कॉन्फ्रेंस का. सबसे पहले प्रेजिडेंट वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के थे, फिर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंस्यू, फिर थर्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लॉर्ड जॉर्ज, फोर्थ है इटालियन प्राइम मिनिस्टर ऑरलैंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फोर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डिप्लोमैट्स एट द पीस सेटलमेंट ऑफ 1919. जो ये पीस सेटलमेंट एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1919 में, इसमें डिप्लोमैट्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. सबसे पहले टू रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप. टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं थी कौन सी टेरिटरी किस कंट्री के पास है, और बहुत बार एक कंट्री के पास जो टेरिटरी होती थी दूसरी कंट्री के पास गई, फिर किसी और कंट्री ने उससे छीन ली, तो ये बहुत बार देखने को मिला था, जिसकी वजह से किस तरीके से मैप बनेगा यूरोप का ये एक प्रॉब्लम थी उनके सामने. Pointed to decide the future of German colonies and outlying Turkish provinces, की जो German colonies है, क्योंकि Germany country हार चुकी थी, उसकी बहुत सारी colonies थी Africa और Asian continent पे, तो उन colonies का क्या future है, वो किसके under जाएंगी, ये एक बड़ा question था. और जो Turkish provinces है, क्योंकि वो Ottoman Empire का एक time पे part हुआ करता था, वो भी अब जो है अलग हो चुका है, उसका part नहीं है, तो वो कैसे divide होगा इन सारी countries के बीच में. Third point to decide the war indemnity with Germany and her allies had to pay. अब यहाँ पर first world war जो हुआ था उसका ब्लेम जर्मनी और उसके जो फ्रेंड कंट्रीज थे उन पे लगाया गया कि उन्हीं को जो है अब यहाँ पर सारे जो कॉम्पनसेशन है वो देने पड़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन के, क्योंकि उनकी वजह से नुकसान हुआ है कंट्रीज को. एंड फोर्थ इज टू रिड्यूस आर्मामेंट, यानी कि वेपन्स जो हैं अब कम करने हैं. तो ये किस तरीके से वेपन्स कम होंगे, तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थे डिप्लोमैट्स के सामने. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर एम्स ऑफ द पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिस 1919. फर्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट एंड अवॉइड वॉर्स इन द फ्यूचर. जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, अब दोबारा से वैसी वॉर्स ना हो, इसीलिए पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. सेकंड पॉइंट है टू एस्टैब्लिश पीस इन द वॉर टॉर्न यूरोप. यूरोप कॉन्टिनेंट पे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी टेरिटरीज की जो बाउंड्रीज है वो किसी एक कंट्री ने छीनी थी, दूसरे के साथ मर्ज हुई थी, ये किस तरीके से पीस दोबारा से एस्टैब्लिश करनी है वहां पर. पनिश जर्मनी एंड हर अलाइज फॉर द हैवॉक एंड डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय देम. तो किस तरीके से जर्मनी और उसके अलाइज को जो है पनिश करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन हुई थी. फोर्थ पॉइंट टू रिस्टोर द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय जर्मनी टू देयर ओरिजिनल ओनर्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जर्मनी कंट्री थी वो हार चुकी थी, और उस टाइम पे जर्मनी कंट्री ने काफ़ी सारी टेरिटरीज कैप्चर की थी, काफ़ी सारी कलोनीज इस्टेब्लिश की थी. तो हारने के बाद जो जर्मनी टेरिटरी है वो किस तरीके से दोबारा से ओरिजिनल ओनर्स को जो है वो दी जाएगी, तो ये एक कह सकते हैं कि मेन एम था कि उन टेरिटरीज पे दोबारा से पीसफुल एटमोसफेयर किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज द बेसिस ऑन विच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ 1914 बिटवीन जर्मनी एंड द एलाइड पावर्स केम टू एंड. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो स्टार्ट हुई थी 1914 में, जो खत्म हुई है 1918 में, तो जर्मनी और उसके जो अलाइड पावर्स है ये खत्म कैसे होती है उनके बीच में. द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन 14 प्रिंसिपल्स वर द बेसिस अकॉर्डिंग टू विच वर्ल्ड वॉर वन केम टू एन एंड. तो ये 14 प्रिंसिपल्स जो थे इनके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, और ये 14 प्रिंसिपल्स लेके कौन आया था, वुड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वुड्रो विल्सन. वुड्रो विल्सन सर्व 28th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1913 टू 21. तो वुड्रो विल्सन जो थे वो 28th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जो कि 1913 से 1921 तक रहे. ऑल्सो लेड यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड एस्टैब्लिशिंग एन एक्टिविस्ट फॉरन पॉलिसी नोन एज विल्सनिज्म. तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को जिन्होंने लीड किया था वर्ल्ड वॉर वन में वो वुड्रो विल्सन ही थे,
और इसके अलावा इन्होंने विल्सनिज्म एक फॉरेन पॉलिसी भी निकाली थी, किस तरीके से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर वन से जो है डील करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टॉर्म ट्रूपर्स? स्टॉर्म ट्रूपर्स वर स्पेशलिस्ट सोल्जर्स ऑफ द जर्मन आर्मी इन वर्ल्ड वॉर वन हु वर ट्रेन टू फाइट विद इनफिल्ट्रेशन टैक्टिक्स, पार्ट ऑफ द जर्मन्स न्यू मैथड ऑफ अटैक ऑन द एनिमीज ट्रेंचेस इन लेट ईयर्स ऑफ वॉर. सो यहाँ पे स्टॉर्म ट्रूपर्स कौन है? स्पेशलिस्ट सोल्जर्स हैं जर्मन आर्मी के, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में जो है फाइट किया था. उन्हें स्पेशल तरीके की फाइटिंग की टेक्निक सिखाई गई थी, जिसको आप इनफिल्ट्रेशन टैक्टिक्स कह सकते हो. इस न्यू मैथड के अंदर एनिमी के ट्रेंचेस में किस तरीके से अटैक करना है, इस चीज़ की नॉलेज जो है उन्हें दी जाती थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फोर मोरल डिफेक्ट्स ऑफ द पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 1919. अब यहाँ पर पीस कॉन्फ्रेंस जो है मॉरली सही नहीं थी, यानी सोच समझकर प्लान कर लॉजिकली इसमें डिसीजन नहीं लिए गए थे. ऐसा क्यों? बिकॉज इट वॉज डिक्टेटेड पीस, क्योंकि ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने इसमें डिक्टेटरशिप लाइक रोल प्ले किया था. उसमें जो वीक कंट्रीज थी उन पर डिसीजन जो है वो थोपे गए थे, यानी उन्हें ब्लेम किया गया था, उनका इसमें पार्टिसिपेशन नहीं था. सेकेंड पॉइंट, इट एम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ रिवेंज. बदले की भावना से जो है ये पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन हुआ है वो इस चीज का कॉम्पनसेशन जो है देंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिसआर्मिंग ऑफ जर्मनी एंड हर एलाइज. जर्मनी कंट्री पे ब्लेम डाला गया और उसकी गुड फ्रेंड्स जो उन्होंने उसकी मदद की थी, तो उन लोगों को डिसआर्म करना पड़ेगा, यानी जितने भी वेपन्स हैं वो सारे खत्म करने पड़ेंगे ताकि दोबारा से ऐसी सिचुएशन वो ना क्रिएट कर सकें फ्यूचर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्लोगन विद विच द जर्मन्स वेंट टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और जर्मन्स जो हैं क्या स्लोगन वहाँ पे यूज़ करते हैं? वर्सेल्स मस्ट बी अवेज्ड. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द एम ऑफ द लीग ऑफ नेशन व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? लीग ऑफ नेशन वाज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1919 एज अ रिजल्ट ऑफ द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. उस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम क्या होगा? लीग ऑफ नेशन, जो कि कब बनी? 1919 में. इट वॉज अ फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज प्रिंसिपल मिशन वॉज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस. दुनिया की पहली ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन मिशन क्या था कि दुनिया में पीस कायम करके रखना ताकि कंट्रीज आपस में ना लड़े. इट्स प्राइमरी गोल इंक्लूडेड प्रिवेंटिंग वॉर्स थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्ममेंट. इसका मेन उद्देश्य यही था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, अगर कोई कंट्री डिक्टेटर बनती है, दूसरों पर कब्जा करने की कोशिश करती है, तो कलेक्टिवली सारी कंट्रीज मिलकर उसके खिलाफ एक्शन लेंगी. डिसआर्ममेंट यानी वेपन्स को कम किया जाएगा. सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन एंड आर्बिट्रेशन, कि यानी कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उसको ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएट कर बिना वॉर में इंडल्ज किए हुए सॉल्व आउट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीग ऑफ नेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रेस्पुटिन? रेस्पुटिन वॉज अ हिपोक्राइट सेंट ऑफ साइबेरिया. ही वॉज सेल्फिश, करप्ट एंड वेरी अनपॉपुलर इन रशिया. रेस्पुटिन एक साइबेरिया में कह सकते हो संत टाइप, जिसे हम कहते हैं, जैसे पॉप होते हैं क्रिश्चियंस में, वैसे ही रशिया के अंदर सेंट होते हैं. तो ये बहुत ही सेल्फिश थे, करप्ट थे और पॉपुलर नहीं थे रशिया के अंदर. निकोलस टू एंड हिज क्वीन एलेक्जेंड्रा वर कम्प्लीटली अंडर हिज इन्फ्लुएंस. उस टाइम पर जो निकोलस टू और उनकी जो क्वीन थी एलेक्जेंड्रा, वो बिल्कुल इनके इन्फ्लुएंस में थी. वो उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे, कोई भी एक्शन लेते थे. हिज एसोसिएशन विद क्वीन एलेक्जेंड्रा इन पर्टिकुलरली ब्रॉड डिसग्रेस टू द ज़ारिस्ट रेजिम. अब जो भी एक्शन लिया जाता था वो रेस्पुटिन से पूछ के लिया जाता था, और वो तो बहुत करप्ट थे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं थे, जिसकी वजह से जो ज़ारिस्ट रेजिम है यानी जो किंग है उनकी रिस्पेक्ट बहुत कम होती जा रही थी सोसाइटी के अंदर. दिस टर्न द मासेस अगेंस्ट द जार, तो जिसकी वजह से लोग जो है निकोलस जार के अगेंस्ट हो गए एंड प्रिपेयर द ग्राउंड टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917. और इसी की वजह से रशियन रेवोल्यूशन जो है हमें रशिया में देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लेनिन? द लीडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वॉज लेनिन. ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 नवंबर 1917. बोल्शेविक पार्टी के लीडर जो थे वो लेनिन थे. वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1917 में रशिया में. ही बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड वॉज अ लॉ स्टूडेंट. वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और एक लॉ स्टूडेंट थे. ही हैड बिकम एन आर्डेंट डिसाइपल ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी वो कार्ल मार्क्स की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करते थे. ही एडिटेड अ पेपर नोन एज द स्पार्क.
वो एक पेपर को भी एडिट करते थे, उसका नाम क्या था पेपर का, द स्पार्क एंड केप्ट अलाइव द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ हिज फॉलोअर्स, और अपने जो फॉलोअर्स है उनमें जो रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी स्पिरिट है वो हमेशा जगाए रखते थे ताकि जो जार है उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके जो उस टाइम पे रशिया के किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ मेंशेविक एंड बोल्शेविक पार्टीज, मेंशेविक पार्टी के लीडर का नाम क्या था, जूलियस मार्टोफ, और बोल्शेविक पार्टी के नाम लीडर का नाम क्या था, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who originated 5-year plan in the USSR and when? USSR के अंदर 5-year plan यानी 5 साल की प्लानिंग की जाती थी कि जिस तरीके से जो है इकोनॉमी डेवलप की जाएगी। ये 5-year plan जो है वो जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट किया था USSR के अंदर, और कब किया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When and why did Russia withdraw from First World War? Russia ने First World War से अपना नाम जो है पीछे क्यों हटा लिया था, क्या रीजन था? लेनिन ऑन अज्यूमिंग पावर आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 वॉज डिटर्मिन टू मेक पीस एट एनी कॉस्ट। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस टाइम पे निकोलस टू जो थे वो उस टाइम पर जार यानी वो किंग थे रशिया के, और उस टाइम में पता है कि जार बहुत ही करप्ट थे, डिक्टेटरशिप वाली सरकार थी उनकी, तो लोग उनके अंगेंस्ट हो गए, और बोल्शेविक पार्टी ने जब आवाज़ उठाई तो रशिया में रेवोल्यूशन हो गई 1917 में। फिर बोल्शेविक पार्टी वहाँ पे रूल करती है, और बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर लेनिन होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो है एक पीसफुल एटमोसफेयर क्रिएट करना है रशिया में, और किसी भी कीमत पर वो और नुकसान नहीं झेल सकते हैं रशियन लोगों का, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि रशियन कंट्री अपना नाम जो है वर्ल्ड वॉर वन से पीछे हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज कोहोंग, The Europeans who entered into China for trade were allowed to trade only through a group of Chinese traders officially recognized by the Chinese government. तो Europeans जो enter होते थे China में trade करने के लिए सिर्फ वही कर पाते थे जिन्हें Chinese government ने approve किया है। Chinese government ने इस special work के लिए कुछ Chinese traders को appoint किया था कि आप सिर्फ यहाँ पर जो है एक तरह से आप कह सकते हो लाइसेंस अप्रूव करोगे यूरोपियंस को, तो कुछ ही यूरोपियंस यहाँ पे चाइना में ट्रेड कर पाएंगे। दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड कोहोंग, तो ये जितने भी ऑफिसर्स थे जिनको ये काम दिया गया था कि आप यूरोपियंस को लाइसेंस दोगे, उन्हें अलाउ करोगे, उस ग्रुप को कोहोंग कहते हैं। उस टाइम पर इस कोहोंग ग्रुप में 13 ट्रेडर्स थे। क्वेश्चन, हाउ ओपियम वॉज यूज बाय ब्रिटेन टू ड्रेन चाइनीज ट्रेजरी, China was a self-sufficient country. They had nothing to import from the European countries. अगर चाइना कंट्री की बात करें तो वो सेल्फ सफिशियंट कंट्री थी, फ्रॉम पिन टू कार ईच एंड एवरी थिंग वो कंट्री खुद मैन्युफैक्चर करती थी, कुछ भी वो यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करके नहीं लेते थे। दस ब्रिटेन इंट्रोड्यूस ओपियम इन टू द चाइनीज मार्केट, और एक टाइम पे ब्रिटेन ने ओपियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया चाइनीज मार्केट के अंदर। ओपियम एक तरीके का ड्रग होता है, ग्रेजुअली मिलियंस ऑफ चाइनीज बिकम एडिक्ट ऑफ ओपियम, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो है वो इसके एडिक्ट हो गए। दिस अल्टीमेटली शैटर्ड द इकोनॉमी ऑफ चाइना, और धीरे धीरे करके जो आर्थिक व्यवस्था थी चाइना की वो जो है वो पूरी खत्म हो गई, और डिपेंडेंट हो गए वो लोग ब्रिटेन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर ओपियम वॉर fought. First opium war was fought between British and China from 1839 to 1842. जो first opium war होती है वो British और China के बीच 39 से 42 के बीच में होती है. In this war Chinese were defeated. इसमें Chinese government जो है वो हार जाती है. They had to sign the humiliating treaty of Nanking in 1842. तो इसीलिए उन्हें जो है एक संधि साइन करनी पड़ती है ब्रिटेन सरकार के साथ, जो कि क्या होती है, treaty of Nanking, जो कि 1842 में वो साइन करते हैं. Second opium war होती है 1856 से 1860 के बीच में, अगेन चाइनीज गवर्नमेंट वर डिफीटेड, वो दोबारा हार जाते हैं। दे हैड टू साइन वेरियस इंसल्टिंग ट्रिटीज, इसी तरीके से दोबारा एक इंसल्टिंग ट्रिटी जो है वो साइन करते हैं 1860 में, अकॉर्डिंग टू विच 11 एडिशनल पोर्ट्स वर ओपन टू फॉरनर्स फॉर फॉरन ट्रेड। इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने 11 पोर्ट्स जो हैं ओपन करने पड़ते हैं ताकि वो फॉरेन ट्रेड कर सकेंगे फॉरनर्स के साथ। इससे पहले तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को काफ़ी क्लोज रख रखा था। आफ्टर दीज चाइना लॉस्ट हर सोवरेनिटी, और धीरे धीरे चाइना की जो सोवरेनिटी थी खुद अपने डिसीजन लेने के लिए अपनी कंट्री के लिए, वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओपन डोर पॉलिसी, आफ्टर द ओपियम वॉर द चाइनीज वर डिफीटेड एंड मेनी फॉरनर्स लाइक द ब्रिटिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, बेल्जियंस, डच, जापानीज पेनिट्रेट इन टू द चाइना एंड क्रिएटेड एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर हर ट्रेड। ओपियम वॉर के अंदर चाइनीज कंट्री हार जाती है, और जिसके बाद वो अपना जो ट्रेड है वो ओपन कर देते हैं, उनको काफ़ी सारे पोर्ट्स ओपन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फॉरनर कंट्रीज उनकी कंट्री में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं और अपना इन्फ्लुएंस जो है मार्केट पे डालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो गुड्स होते हैं वो बेचना वो स्टार्ट करते हैं, और सारा का सारा पैसा जो है फॉरन कंट्रीज के पास जाना स्टार्ट हो जाता है। एट दिस टाइम जॉन हे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA डिक्लेयर्ड द ओपन डोर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच USA डिड नॉट अलाउ एनी डिवीजन ऑफ चाइनीज टेरिटरी अमंग दीज कंट्रीज। टाइम पे जो
जॉन हे होते हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए कंट्री के होते हैं, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि यूएसए किसी भी कंट्री को चाइनीज टेरिटरी को डिवाइड नहीं करने देंगे और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर सैंक्शंस लगेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए आप इतना ही याद कर लो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि यूएसए जो है चाइनीज टेरिटरी को सेव करने के लिए जो है ये पॉलिसी निकालते हैं ताकि वेस्टर्न पावर्स उसको डिवाइड ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर चाइना एट द टाइम ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। मंचू डायनेस्टी रूल्ड ओवर चाइना एट द टाइम ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911 में कौन सी डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी? मंचू डायनेस्टी। द मंचू रूलर्स वर इनसफिशिएंट, निगलेक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड फूड, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट टू कॉमन पीपल। अब जो मंचू डायनेस्टी थी वो इनसफिशिएंट थी, यानी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे वो लोगों के लिए, वो निगलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से वहाँ पर फूड, शेल्टर और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। द एजुकेटेड पीपल हैड नो जॉब्स, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों के पास कोई जॉब नहीं थी वहाँ पर। द सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिमेंड अनरिफॉर्म्ड, यानी कि सेंट्रल एज वेल एज जो लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ पे कोई भी रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे थे लोगों के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस सोसाइटीज फॉर्मड इन चाइना हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि चाइना के अंदर सोसाइटीज का नाम बताना है जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई। फर्स्ट है आपका व्हाइट लोटस सोसाइटी, सेकेंड है एसोसिएशन ऑफ वर्शिपिंग गॉड, थर्ड पॉइंट है सोसाइटी ऑफ हारमोनियस फिस्ट और बॉक्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉक्सर्स रेबिलियन इन शेंटकन प्रोविंस ऑफ चाइना, बॉक्सर्स लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट क्रिश्चियन कन्वर्ट्स एंड फॉरनर्स। तो शंगटंग एक प्रोविंस थी चाइना के अंदर जहाँ पर बॉक्सर्स ने कैंपेन लॉन्च की थी उन लोगों के खिलाफ जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर फॉरनर्स जो उनकी कंट्री में आ रहे हैं। 1899 में पुअर पीसेंट, डिस्पैंडेड सोल्जर्स, डिसकंटेंट पीपल जॉइन द बॉक्सर्स एसोसिएशन। तो 99 में जो पुअर किसान है, जो ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको पकड़ के रखा गया है या फिर जो डिसकंटेंट यानी ऐसे लोग जो सरकार के साथ खुश नहीं है, उन्होंने बॉक्सर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया। द क्रिश्चियन चर्च वर अटैक्ड, बहुत सारे चर्चेस को अटैक किया इन लोगों ने। मिशनरीज वर मर्डर्ड, बहुत सारे जो फादर है पॉप है चर्च के उन लोगों का मर्डर किया इन रेबिलियन ग्रुप्स के लोगों ने। फॉरन शॉप्स वर पीकिंग इन लूटेड, बहुत सारे जो फॉरेन शॉप्स हैं उन्हें लूटा इन्होंने। बट द कंबाइंड जापानीज एंड वेस्टर्न फोर्सेस सप्रेस दिस रिवोल्ट इन 1900। बट कंबाइंड इफेक्ट, जब वेस्टर्न पावर्स को लगा कि यहाँ पर ये जो रेबिलियन है ये बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो मिलकर जब उन कंट्रीज ने एक्शन लिया तो ये रिवोल्ट सप्रेस हो गया 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉजेज ऑफ द चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911 में चाइनीज रेवोल्यूशन क्यों हुई थी उसके कारण बताने हैं। फर्स्ट है डीजनरेटेड मॉन्चू रूल, जो मॉन्चू रूल था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था लोगों के वेलफेयर के लिए, वो डिक्टेटर थे, वो करप्ट थे जिसकी वजह से चाइनीज रेवोल्यूशन हुई। सेकंड पॉइंट, मेनी चाइनीज हैड वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज फॉर बिजनेस, स्टडीज एंड अदर पर्पसेस, दे ब्रॉट बैक वेस्टर्न आइडियाज ऑफ फ्रीडम, नेशनलिज्म, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी विद देम, प्रोपेगेटेड दीज आइडियाज इन चाइना एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर रेवोल्यूशन। बहुत सारे चाइनीज लोग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में गए बिजनेस करने के लिए, स्टडी करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए। जब वो वापस आए तो अपने साथ वहाँ के वेस्टर्न आइडियाज लेके आए, जैसे कि आज़ादी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होती है, समानता क्या है, डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के पास पावर रहती है, ये सारे आइडियाज उन्होंने आके जब चाइना में लोगों को बताए तो इस तरीके से चाइना के लोग अवेयर हुए और चाइना में भी रेवोल्यूशन हुई 1911 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फोर इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1911 में जो चाइनीज रेवोल्यूशन हुई इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। सबसे पहले एंड ऑफ मोनार्की, क्योंकि इससे पहले निकोलस टू जो जार थे उनका रूल था तो मोनार्की सिस्टम चल रहा था जिसके अंदर किंग रूल निकालते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। सेकेंड, एंड ऑफ फॉरन इंटरफेरेंस, इससे पहले फॉरन कंट्रीज इंटरफेयर कर रही थी तो वो भी फॉरन इंटरफेरेंस खत्म हो गया। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक, ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसको लोगों ने चुनकर जो है बनाया है वोट डालकर। फोर्थ पॉइंट, प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, चाइनीज कंट्री जो है वो मॉडर्नाइज्ड होना शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना एस्टैब्लिश्ड, हु वर अपॉइंटेड चाइनाज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। पीपल्स रिपब्लिक इन चाइना यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली जो सरकार है वो कब बनती है? 21 नवंबर 1949 में। जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन होते हैं? माओ सी टंग। मिनिस्टर बनते हैं चो एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज माओ सी टंग? माओ सी टंग वॉज अ चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी, पॉलिटिशियन एंड सोशो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। सो माओ सी टंग कौन थे? एक चाइनीज रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, पॉलिटिशियन थे और समाज सुधारक थे। फाउंडिंग फादर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना,
फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 1949 में फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी. ही गवर्न द कंट्री एज अ चेयरमैन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो CPC बनती है उसके चेयरमैन भी जो हैं माओ सी टंग को ही बनाया जाता है अंटिल हिज डेथ. तो जब तक इनकी डेथ नहीं होती तब तक यही चेयरमैन रहते हैं. इन दिस पोजिशन ही कन्वर्टेड चाइना इन टू अ सिंगल पार्टी सोशलिस्ट स्टेट. तो जब ये इस पार्टी के चेयरमैन होते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि चाइना को एक सिंगल पार्टी रजीम बनाए रखें. मल्टी पार्टी सिस्टम वहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी होती है वहाँ पर. विद इंडस्ट्री एंड बिजनेस बीइंग नेशनलाइज्ड वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लो, बैंक्स की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, सारा का सारा नेशनलाइज्ड होता है, यानी कि सरकार के अंडर होता है. सरकार ही डिसीजन लेती है. अंडर स्टेट ओनरशिप एंड सोशलिस्ट रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन ऑल एरियाज ऑफ द सोसाइटी. तो जो भी डिसीजन लेती है वो सरकार लेती है इक्वालिटी के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन राइट फोर कॉजेज ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 में जो चाइनीज रेवोल्यूशन होती है उसके मेन कारण क्या है. फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो CCP पार्टी बनती है ये एक कारण है इसकी वजह से रेवोल्यूशन होता है. सेकेंड है आपका राइज ऑफ माओ सी टंग एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड आर्मी. माओ सी टंग की पॉपुलैरिटी काफ़ी हो जाती है चाइना के अंदर और ये रेड आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं. थर्ड है जापानीज अटैक ऑन चाइना. उस टाइम पर जो जापानीज अटैक करते हैं चाइना पे और उसका एरिया जो है इनैक्स कर लेते हैं, यहाँ से पता लगता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ को रोक सके. तो इसीलिए दोबारा से रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को. फोर्थ सिविल वॉर इन चाइना आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना के अंदर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो लोग होते हैं उनके डिमांड्स पूरे नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से डिसकंटेंट और अनहैप्पी लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीजी. इन 1868 द न्यू एम्परर ऑफ जापान मुशीतो टुक द टाइटल मीजी विच मेंट वाइज एडमिनिस्ट्रेशन. 1868 के अंदर जो न्यू एम्परर होते हैं जापान के मुशीतो वो अपने आप को टाइटल दे देते हैं मीजी. मीजी का मतलब होता है वाइज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क प्रॉपरली संभालने वाला. ही टुक वेरियस स्टेप टू मॉडर्नाइज जापान. उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि जापान मॉडर्नाइज कंट्री बन सके. विद इन फ्यू डिकेड्स जापान बिकम अ पावरफुल नेशन और कुछ ही सालों में जापान एक पावरफुल कंट्री बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन बैंक ऑफ जापान वॉज एस्टैब्लिश्ड. 1882. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर जापान अटैक्ड चाइना. तो किस साल में जापान ने अटैक किया था चाइना पे. 1931 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉल स्ट्रीट क्रैश. इन सितंबर 1929 द बाइंग ऑफ शेयर्स एट स्टॉक एक्सचेंज इन वॉल स्ट्रीट बिगिन टू स्लो डाउन एज र्यूमर्स स्प्रेड पीपल पैनिक टू सेल देयर शेयर्स. बाय अक्टूबर 24, 1929 द रश इंक्रीज सो मच द शेयर प्राइसेस फेल ड्रामेटिकली. 1929 के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज थे उनके जो वैल्यू थी शेयर्स की वो काफ़ी घटनी स्टार्ट हो गई यानी डिक्रीज हुई. जैसे जैसे ये र्यूमर्स यानी जो अफवाह है वो लोगों के बीच में फैलनी स्टार्ट हुई तो 1929 में लोगों में ये होड़ मच गई कि फटाफट अपने जो शेयर्स है वो बेच दो ताकि उनको नुकसान ना हो. तो बहुत जल्दी जो शेयर प्राइसेस हैं वो नीचे जाने स्टार्ट हो गए. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर रियूंड. बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए जिन्होंने इन्वेस्ट किया था स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में. दिस डिज़ास्टर इज़ रिमेंबर्ड एज वॉल स्ट्रीट क्रैश. और इसी डिज़ास्टर को वॉल स्ट्रीट क्रैश की तरह जो है याद किया जाता है. ऑन ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929 13 मिलियन शेयर्स वर डम्प्ड ऑन द स्टॉक मार्केट. सो ब्लैक थर्सडे इसलिए बोला जाता है कि उस दिन थर्सडे था. तो एक काला दिन 1929 वाले ईयर का जिसके अंदर 13 मिलियन शेयर्स जो है वो बर्बाद हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, जिनकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म. फासिज्म डिड नॉट हैव एनी आइडियोलॉजी. फासिज्म कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं है. मोसोलिनी वाज अगेंस्ट एनी एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स. सो मोसोलिनी जो इटली के लीडर थे वो किसी भी मॉरल प्रिंसिपल या सिद्धांत के खिलाफ थे जो कि सही या गलत के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है. वो लॉजिक के बिल्कुल दूर थे. ही इनकरेज्ड रॉन्ग डूइंग इफ इट सर्व्ड हिज पॉलिटिकल एंड. राजनीतिक पावर को कैप्चर करने के लिए जो भी गलत इस्तेमाल उनको एक्शन लेना पड़े वो ले सकते थे, वो करते थे ऐसा. ही वॉज डेड अगेंस्ट पीस टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे कि एक शांतिपूर्वक माहौल होना चाहिए कंट्री में, जो लोग हैं उनको टॉलरेट करना है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है, अंडरस्टैंडिंग जो है बनानी है लोगों के साथ. इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे वो. फैक्ट फासिस्ट वर अपॉर्चुनिस्ट हु वॉन्ट टू ग्रैप पावर. तो वो तो अपॉर्चुनिस्ट थे कि जब मौका मिले पावर को ग्रैप कर लो, चाहे उससे कितने ही लोगों का नुकसान क्यों ना हो, चाहे कंट्री को नुकसान झेलना पड़े, उसको कोई उनको लेना देना नहीं था. फासिज्म का क्लियरली मीनिंग ये था कि डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट जिसके अंदर वो कोई भी स्टेप कभी भी ले सकते हैं बिना लोगों से डिस्कस किए या उन्हें इन्वॉल्व किए.
Now the next question, which was the most important cause that helped in the emergence of fascism in Italy? जो fascism government होती है वो Italy में किस तरीके से बन पाती है, क्या कारण होते हैं? The economic disaster of the First World War was the most important cause which helped the fascists to gain power. यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद जो इटली कंट्री थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई थी, यहीं से मौका मिलता है फासिस्ट को पावर में आने का. आफ्टर द वॉर द इकोनॉमी ऑफ इटली वॉज कम्प्लीटली डिसलोकेटेड, बोथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री वॉज इन बैड शेप. बहुत बुरा हाल हो चुका था कंट्री का, काफ़ी लॉसेस में थे कंट्री. देयर वॉज अ स्टीप राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. वैल्यू ऑफ लीरा डिक्लाइन शार्पली, लीरा वहाँ की करेंसी है तो उसकी वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो गई थी. दस पीपल ग्रेव्ड फॉर पावरफुल गवर्नमेंट, तो लोग चाहते थे कि एक पावरफुल गवर्नमेंट आए जो लोगों को इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाले, विच कुड फ्री देम ऑफ दीज हार्डशिप एंड फासिस्ट प्रॉमिस टू डू सो. और फासिस्ट ने ये प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है पॉवर्टी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे, आपके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ लेके आएंगे, जो भी कंट्री को नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उससे कंट्री को बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से फासिज्म गवर्नमेंट जो है बन पाती है इटली में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी आफ्टर 1919 हेल्प द राइज ऑफ नाजी पार्टी. जर्मनी हैड सफर्ड फाइनेंशियल लॉसेज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था. एडेड टू दिस वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ वॉर डैमेजेस विच वर फिक्स्ड एट $32 बिलियन. उसके अलावा $32 बिलियन जो है वो जर्मनी कंट्री पे एज अ ब्लेम कॉम्पनसेशन लगाए गए कि उन्हें जो है वो देने पड़ेंगे क्योंकि उनकी वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था. द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड एंड द होल इकोनॉमी ऑफ जर्मनी वॉज डिस्ट्रॉयड. तो धीरे धीरे जो वहाँ की करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई, जर्मनी पूरा कोलैप्स्ड हो गया. अनएम्प्लॉयमेंट हैड रीच 6 मिलियन, 6 मिलियन लोग जो थे वो बेरोजगार हो चुके थे. मैनी फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई. ऑल द क्लासेज वर सिवियरली अफेक्टेड, चाहे लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास, हर किसी क्लास के लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे इस चीज़ से. एट दिस टाइम नाजी पार्टी मेड लेविश प्रोमिसज टू द पीपल एंड वॉन देयर सपोर्ट. और इस सिचुएशन के अंदर जो नाजी पार्टी हैं उन्होंने लोगों से प्रोमिसज किए, फेक प्रोमिसज किए कि हम जर्मनी कंट्री को इस चीज़ से बाहर लेके आएंगे, और इस तरीके से उन्होंने लोगों का सपोर्ट जीता. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑफर्स ऑफ नाजी पार्टी फॉर द जर्मन पीपल. क्या ऑफर्स दिए थे उस टाइम पे नाजी पार्टी ने जर्मन लोगों को? नाजी पार्टी ऑफर्ड नेशनल यूनिटी, प्रॉस्पैरिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, कि हम पूरे कंट्री को यूनाइट करेंगे, प्रॉस्पैरिटी यानी तरक्की लेके आएंगे और लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकालेंगे. नाजी प्रॉमिस टू ओवरथ्रो द वर्सेल सेटलमेंट एंड टू रीबिल्ड जर्मनी इंटू अ ग्रेट पावर. एक ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसके अंदर ब्लेम लगाए गए थे जर्मनी कंट्री पर, तो उन्होंने बोला कि जो भी हम पे ब्लेम लगे हैं वो सारे ब्लेम्स जो हैं उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम चैलेंज करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाजीज? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय हिटलर एंड वॉट वॉज इट्स इम्पैक्ट? मेन कैम्प वॉज रिटन बाय हिटलर. तो हिटलर ने जो बुक लिखी थी मेन कैम्प, जब उनको 5 साल की सजा हुई थी, और ये बुक जो है बाइबल की तरह मानी जाती है नाजीज के लिए. हिटलर का ये मानना था कि पोलिटिकल रेवोल्यूशन यानी राजनीतिक तौर पर रेवोल्यूशन होने से पहले साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी लोगों के माइंड सेट जो है वो चेंज होने बहुत ज़रूरी हैं, और इस बुक के थ्रू उन्होंने लोगों के माइंड सेट को चेंज किया कि वो लोग क्रांति कर सकते हैं, वो लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. तो इस तरीके से हिटलर ने अपने बुक के थ्रू जो है लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज किया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिटलर यूथ? हिटलर यूथ वाज नाजी ऑर्गेनाइजेशन. तो नाजी गवर्नमेंट की एक बनाई हुई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम क्या था? हिटलर यूथ, जिसके अंदर वो यंगस्टर्स को ट्रेन करते थे. दे वर मिलिट्रली डिसिप्लिनड एंड टॉट नाजी फिलोसफी. उन्हें जो है मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और नाजी फिलोसफी सिखाई जाती थी. क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट गेस्टापो? तो गेस्टापो एक सीक्रेट पुलिस थी जो कि ब्रूटल तरीके से लोगों की आवाज़ बंद करती थी, उन्हें जो है पनिशमेंट्स देती थी, और इसको किसने बनाया था? हिमलर ने. हिमलर जो थे इसी चीज़ के लिए फेमस थे कि किस तरीके से जो उनके ओपोनेंट है, जो उनके एनिमी है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको वॉयलेंट तरीके से या इनह्यूमन प्रैक्टिसेस करके उनको जो है चुप करवाना है, या उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है उनको डराना है. दोज़ हु अपोज नाजीज वर सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड एलिमिनेटेड. तो जो भी नाजी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाता था उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजकर उनके साथ इनह्यूमन प्रैक्टिसेस की जाती थी ताकि वो लोग नाजी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ना बोलें. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ नाजी? द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन जर्मनी वाज कम्प्लीटली चेंज टू फिट द डॉक्ट्रिन ऑफ नाजी. अब नाजी फिलोसफी के अकॉर्डिंग नई टीचिंग सिखाने के लिए जो पूरा टीचिंग एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया, बुक्स को चेंज किया गया.
स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, दोबारा से लिखी गई सारी बुक्स. हिस्ट्री वॉज डिस्टॉर्टेड विद हिटलर्स ओन व्यू. हिस्ट्री यानी जो इतिहास में सारा कुछ हुआ था उसको हिटलर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग लिखा गया. बायोलॉजी वॉज डोमिनेटेड बाय नाजी रेस थ्योरी. बायोलॉजी के अंदर भी यही लिखा गया कि जो नाजी लोग हैं, जो नाजी कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर हैं बाकी कम्युनिटी के लोगों से. सो ऑल द स्टूडेंट्स लर्न दैट हिटलर इज ऑलवेज राइट एंड इट इज़ देयर ड्यूटी टू ओबे हिम. तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता था कि हिटलर जो है वो हमेशा सही है और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हिटलर की गाइडलाइंस को और उनकी फिलॉसफी को फॉलो करें. क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी. फर्स्ट पॉइंट, टू डी अनाउंस द ट्रीटी ऑफ वर्सेल. ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई थी, जिसमें सारा ब्लेम जर्मनी कंट्री पर लगाया गया था. तो हिटलर ने ये डिक्लेयर किया कि वो इस ट्रीटी के कोई भी पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सेकेंड पॉइंट, टू एक्सपैंड द जर्मन एम्पायर, कि जितना हो सके जर्मन कंट्री की जो बाउंड्री है उसको एक्सपैंड करेंगे और टेरिटरीज को एनेक्स करेंगे. थर्ड पॉइंट, टू ऑर्गेनाइज एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल जर्मन रेसेस, कि जितने भी जर्मन कंट्री के लोग हैं उन्हें यूनाइट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई हिटलर विथड्रॉ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन. हिटलर विथड्रॉ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन ऑन 14 अक्टूबर 1933. दिस लीग ऑफ नेशन वॉज अ ग्रेट हिंड्रेंस इन द फॉरन पॉलिसी ऑफ हिटलर. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लीग ऑफ नेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल की बनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ताकि और वर्ल्ड वॉर्स ना हो सके. सो जर्मन कंट्री ने अपना नाम जो है इसमें से वापस लिया 14 अक्टूबर 1933 को. दिस लीग ऑफ नेशन वॉज अ ग्रेट हिंड्रेंस. अब हिटलर को लग रहा था कि लीग ऑफ नेशन के कारण उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रही है, उन्हें लीग ऑफ नेशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं. ही वांटेड टू इंक्रीज हिज आर्मी एंड आर्ममेंट्स व्हाइल द लीग ऑफ नेशन स्टूड फॉर रिडक्शन. अब जर्मनी में हिटलर चाहते थे कि वो अपने वेपन्स को इंक्रीज करें, अपनी आर्मी को इंक्रीज करें, बट लीग ऑफ नेशन के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे. इसीलिए हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपनी कंट्री का नाम जो है वो वापस ले लिया. क्वेश्चन, गिव टू इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके क्या कारण थे. फर्स्ट है अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल. ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें सारा ब्लेम जर्मनी कंट्री पे लगाया गया था कि उनकी वजह से लॉसेज हुए हैं और वो इस चीज़ का कॉम्पनसेशन देंगे, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा था जर्मनी कंट्री को कि उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा है. सेकेंड पॉइंट, वीकनेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन विच फेल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट इटली, जर्मनी एंड जापान व्हेन दे अनाउंस्ड एब्सिनिया, मंचूरिया, ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया ऑल्सो लेड टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब यहाँ पे जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी ताकि और ऐसी वर्ल्ड वॉर ना हो सके, वो फेलियर प्रूव हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो लीग ऑफ नेशन के रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं किया. जैसे कि मैं पता है कि जापान ने चाइना पे अटैक किया 1931 में, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ अटैक कर रही थी दूसरी कंट्रीज़ पे और लीग ऑफ नेशन उस पे कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा था. तो ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है. Now the next question, why Britain followed the policy of appeasement toward allied countries before World War II? Britain allowed Germany, Italy and Japan to expand their empires. It did not stop them because of her selfish motives. अब यहाँ पे ब्रिटेन कंट्री जो है वो जर्मनी, इटली और जापान को सपोर्ट कर रहे थे, एक तरह से उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने एम्पायर्स को इस्टेब्लिश करें. इस चीज़ में ब्रिटेन कंट्री का हिडन मोटिव था. शी वॉन्टेड टू एक्सपैंड हर ट्रेड थ्रू देम. तो ब्रिटेन कंट्री चाहती थी कि इन तीन कंट्रीज़ की मदद से वो अपना ट्रेड जो है एक्सपैंड करें. इटली अलाउ द सेफ नेविगेशन ऑफ अ फ्लीट टू इंडिया इन मेडिटेरियन. जो इटली कंट्री है उन्होंने ब्रिटेन कंट्री को सेफली मेडिटेरियन सी जो है वो यूज़ करने दिया. एंड सिमिलरली इन द फार ईस्ट इंग्लैंड डिड नॉट अपोज जापान. और इसी तरीके से जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर भी जापान कंट्री ने इंग्लैंड को अपोज नहीं किया. इन द केस ऑफ जर्मनी शी हेल्प ब्रिटेन इन द मैटर ऑफ रीआर्ममेंट. और जर्मनी के केस में भी ब्रिटेन ने मदद की दोबारा से उनके वेपन्स इंक्रीज करने के लिए. तो इस तरीके से जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है कि आपको पता भी है कि दूसरा पर्सन गलत कर रहा है बट आपका कोई हिडन मोटिव है उसमें, तब भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हो गलत होते हुए भी. तो ब्रिटेन का अपना खुद का मोटिव था, वो चाहते थे कि वो स्ट्रांग हो पाए इन तीन कंट्रीज की मदद से, तो इसीलिए उन्होंने इन तीन डिक्टेटर कंट्रीज को कुछ भी नहीं बोला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फाइव कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर के फाइव कॉजेज, दो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल एंड दूसरा वीकनेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन, एंड थर्ड है रेस ऑफ आर्ममेंट. हर कंट्री चाहती थी कि वो अपने वेपन्स इंक्रीज करें. फोर्थ है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जिसके अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई थी, लोगों के पैसे जो है वो डूब चुके थे, जिसकी वजह से कंट्रीज चाह रही थी अपनी इकोनॉमी को दोबारा से रीबिल्ड करना. फिफ्थ है राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. फासिज्म आइडियोलॉजी कहाँ पे फेमस हुई थी, इटली में, और नाजिज्म आइडियोलॉजी कहाँ पे फेमस हुई थी, जर्मनी में. और ये दोनों डिक्टेटर गवर्नमेंट्स थी जिनकी वजह से हमें वर्ल्ड वॉर टू देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो इमीडिएट कारण बनता है वो क्या होता है, कि जब
जर्मन अटैक करता है पोलैंड कंट्री को 1 सितंबर 1939 में। ब्रिटेन और फ्रांस कंट्री जो है वॉर्न करते हैं जर्मनी कंट्री को वो ऐसा ना करें, क्योंकि उस टाइम पे जो पोलैंड कंट्री होती है वो प्रोटेक्टरेट होती है इन दो कंट्रीज की, तो इसीलिए वो उन्हें वॉर्न करते हैं। बट यहाँ पर जर्मनी कंट्री रिफ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के अंगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू राइवल मिलिट्री ब्लॉक्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दो ग्रुप्स की फाइट हुई थी, उन दो मिलिट्री ग्रुप्स का नाम लिखने हैं। 1939 द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू राइवल मिलिट्री ब्लॉक्स, वन स्टूड फॉर डेमोक्रेसी एंड वन स्टूड फॉर डेस्पोटिज्म। तो एक ग्रुप ऐसा था जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, फ्रीडम को सपोर्ट करता था, वेस्टर्न आइडियाज को सपोर्ट करता था, और दूसरा ग्रुप डेस्पोटिज्म डिक्टेटरशिप वाला था। वन साइड वर इंग्लैंड, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन, जिनको हम अलाइड पावर्स कहते हैं, और दूसरी साइड कौन थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, जिसको हम एक्सिस पावर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यूएसए ज्वाइन सेकंड वर्ल्ड वॉर? ऑन दिसंबर 7, 1941 जापान लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक ऑन अमेरिकन सॉयल एंड बॉम्ब्ड हवाईज नेवल बेस एट पर्ल हार्बर। सो 7 दिसंबर 1941 में जापान ने एक सरप्राइज अटैक किया था। एक आइलैंड था हवाई आइलैंड, ये नेवल बेस था अमेरिका का, इस पे अटैक किया जापान ने। और दिसंबर 11 जर्मनी एंड इटली डिक्लेयर वॉर ऑन द यूनाइटेड स्टेट, और 11 दिसंबर को जर्मनी और इटली जो है वो भी अटैक कर देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पे। तरीके से 1941 में यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट बनती है अलाइड पावर्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? तो किस तरीके से खत्म होती है ये वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप एंडेड विद द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन मई 1945। जो अडॉल्फ हिटलर है जर्मनी कंट्री से, वो 1945 में सरेंडर कर देते हैं। द वॉर एंडेड व्हेन जापान सरेंडर ऑन 14 अगस्त 1945, साइनिंग देयर सरेंडर ऑन सितंबर 2। तो इसी तरीके से जापान कंट्री भी 14 अगस्त 1945 में सरेंडर करते हैं। और जो जापानीज सरेंडर होता है ये कब होता है? जब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराते हैं जापान के दो सिटीज में, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया जाता है 6 अगस्त को, और नागासाकी में गिराया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? इमर्जेंस ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए एज न्यू पावर्स। अब जब वर्ल्ड वॉर टू रुक जाता है, सिर्फ दो ही पावरफुल कंट्रीज बचती हैं पूरे दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं बायपोलर वर्ल्ड। और दो सुपर पावर्स जब होती हैं तो वहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1945 से लेकर 1991 तक हमें कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि जो वर्ल्ड वॉर टू जैसी सिचुएशन है वो दोबारा ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सिटीज ऑफ जापान वर अटैक बाय एटम बॉम्ब इन 1945 बाय यूएसए। तो यूएसए ने जापान के कौन से दो शहरों पर बॉम्ब गिराए थे? नागासाकी एंड हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर वॉज अ लेंथी कॉन्फ्लिक्ट, अ वॉर लाइक सिचुएशन, बट नॉट द ओपन वॉर between the United States and the Soviet Union that began in the aftermath of the surrender of Germany at the end of the Second World War and dominated the international system for nearly 45 years. Cold War एक ऐसी वॉर होती है जो काफ़ी लंबी चलती है, उसमें कोई भी ओपनली वेपन्स के थ्रू नहीं लड़ता है, दूसरे को वीक करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके अपनाकर, जैसे कि जो उसके गुड फ्रेंड्स हैं उसको अपनी तरफ लाकर, या फिर कोई और जो है टैक्टिक्स खेलकर। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर के अंदर डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, इसमें दूसरी कंट्री को वीक किया जाता है अलग अलग मेथड्स यूज़ करके। वॉर हुई थी यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन के बीच में, जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था तो सिर्फ दो ही सुपर पावर्स बचे थे पूरी दुनिया में, और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था, एक तरफ सोवियत यूनियन था, और इनके बीच में कोल्ड वॉर दिखती है हमें 1945 से लेकर 1991 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर द टू अपोजिंग ग्रुप्स इन द कोल्ड वॉर? दो ग्रुप्स के नाम बताने जिन्होंने डोमिनेट किया था। एक तो वेस्टर्न ब्लॉक वाला था जिसमें यूएसए डोमिनेट कर रहा था, और दूसरी तरफ कौन सा ब्लॉक था, कम्युनिस्ट ब्लॉक कह सकते हैं हम लोग, या फिर हम ईस्टर्न ब्लॉक कह सकते हैं, जिसको डोमिनेट किसने किया था, यूएसएसआर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ वाज द नेटो फॉर्म्ड? इन अप्रैल 1949 यूनाइटेड स्टेट अलॉन्ग विद बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड पोर्टुगल साइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, में यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए कंट्री इन्वॉल्व थी। ये एक मिलिट्री ग्रुप था, यानी कि डिफेंसिव ग्रुप था, कि अगर कल को किसी भी एक मेंबर पे अटैक किया जाएगा तो वो अटैक माना जाएगा सब मेंबर कंट्रीज पे, वो सब जो है मिलकर अटैक करेंगे उस एक कंट्री पे। ईच ऑफ दीज स्टेट्स वुड बी ऑब्लीग टू हेल्प ईच अदर बाय मींस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स। तो जितने भी मेंबर्स हैं एक दूसरे की मदद करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेपन्स, की कल को अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो मेंबर कंट्रीज की हेल्प करेंगे। आज के टाइम में नेटो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ग्रुप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें आज के टाइम में 32 कंट्रीज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनपीटी?
एनपीटी का फुल फॉर्म है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वॉज अ फर्स्ट ट्रीटी दैट लिमिटेड न्यूक्लियर मिसाइल्स. इट वॉज साइंड इन 1968 बाय द यूएसए, यूएसएसआर एंड यूनाइटेड किंगडम. अब ये जो एनपीटी है ये पहली ऐसी ट्रीटी है जो मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे. तो इसीलिए जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने 1968 में यूएसए, यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर ये डिसीजन लिया, ऐसी ट्रीटी जो है साइन करते हैं जिससे जो है न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट में लाया जाएगा. क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा बढ़ जाएंगे एक टाइम तक आके, तो वर्ल्ड वॉर वन और टू जैसी सिचुएशन दोबारा हो जाएगी और वर्ल्ड वॉर थ्री देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही डेंजरस होगी. तो इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो लाई गई थी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज गॉर्बाचेव? गॉर्बाचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ गॉर्बाचेव्स टर्म अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स वर एट्रिकुलेटेड दैट वर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ पेरेस्ट्रॉयका, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन, ग्लासनोस्ट, दैट इज ग्रेटर ओपननेस. दीज रिफॉर्म्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991. गॉर्बाचेव जो थे एक जनरल सेक्रेटरी थे, किस पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी के. जैसे कि आपको पता है यूएसएसआर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कंट्री है, वहाँ पर एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जनरल सेक्रेटरी का नाम गॉर्बाचेव था. वो कब बने थे वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी? 1985 में. जब वो गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने वहाँ पर, तो उन्होंने कुछ वहाँ पर चेंजेस किए कानूनों में, रिफॉर्म्स लेके आए. पहला क्या था? पेरेस्ट्रॉयका. अब ये वहाँ की रशियन लैंग्वेज में है बट इसका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस बने गए हैं, बनाए गए हैं, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके लॉज दोबारा से बनाना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्लो चल रही थी. एंड द सेकेंड इज ग्लासनोस्ट, यानी कि ओपननेस, लोगों को फ्रीडम देनी अपनी बात रखने की, वो सरकार से आके अपनी बात रख सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. तो जब ये दो चीज़ें लेके वो आए थे तो इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा था उनकी इकोनॉमी पे. ये ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, बस आप इतना याद रखो कि पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट पॉलिसीज़ आने से यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से हमें जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखा. तो यानी कि उसमें एक टाइम पर 15 कंट्रीज थी, धीरे धीरे करके हर कंट्री ने अपनी इंडिपेंडेंट ले ली और 1991 में यूएसएसआर बन गया आपका रशिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर क्यों ब्रेक डाउन हो गया, क्यों 15 जो कंट्रीज थी एक एक कर उनसे अलग हो गई? सबसे पहले इकोनॉमिक वीकनेस एंड स्टैग्नेशन इन द यूएसएसआर. इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, स्टैग्नेंट हो चुकी थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी. राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी इन द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट. यूएसएसआर के अंदर जितने भी लोग थे वहाँ पर उनमें नेशनलिज्म की भावना आ गई, यानी कि उनके लिए उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था. बट जितने भी वहाँ पर कंट्रीज थी सब पे रशियन लैंग्वेज जो थी वो एक तरह से फोर्स की जा रही थी कि आप इस चीज़ को फॉलो करो. तो जिसकी वजह से लोग जब अवेयर हुए तो उन्होंने अपनी कंट्री की, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के लिए डिमांड की और उन्होंने बोला कि हमें सोवरेनिटी चाहिए, अपने एरिया में हम खुद गवर्नमेंट बनाएंगे, अपने लॉज जो है हम खुद बनाएंगे. तो इसीलिए एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया, पोलैंड, यूक्रेन, धीरे धीरे करके ये सारी कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो गई. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द गॉर्बाचेव. तो ये वही रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो गॉर्बाचेव लेके आए थे, एक पेरेस्ट्रॉयका और दूसरा ग्लासनोस्ट. फिर फोर्थ है सेटबैक टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ये पता लग रहा था कि लोगों का वेलफेयर नहीं हो पा रहा, इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही. दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी वाली सरकारें थी वो बहुत ही ब्रिलियंट कर रही थी, लोगों का वेलफेयर हो रहा था, वहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम था. जब लोगों को पता लगा कि कैपिटलिज्म जो है, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बेटर आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म से, तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई और धीरे धीरे करके कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपनाना स्टार्ट किया. तो इसकी वजह से भी सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हुआ या कोलैप्स हुआ. क्वेश्चन, हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर इंक्लूडेड इन यूएसएसआर, व्हेन डिड इट कोलैप्स? तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यूएसएसआर के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे, एक एक करके सबने अपनी इंडिपेंडेंस उनसे ले ली और बाद में जाकर 1991 में ये देखने को मिला कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और जो न्यू कंट्री बनती है वो कौन सी होती है, उसकी जगह जो लेती है रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज जोसेफ स्टालिन? स्टालिन वॉज द हेड ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फ्रॉम 1929 टू 1953. तो यूएसएसआर के जो लीडर होते हैं जो 1929 से 53 तक रहते हैं वो स्टालिन होते हैं. इनसे पहले कौन होते हैं? लेनिन, जो रशियन रेवोल्यूशन करवाते हैं. सो लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं. अंडर स्टालिन द सोवियत यूनियन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम पीस एंड सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री सुपर पावर. जब स्टालिन आते हैं तो जो सोवियत यूनियन होता है वो काफ़ी स्लो चल रही होती है, उसकी इकोनॉमी पीस एंड इकोनॉमी होती है, प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा मेन होता है, पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वो डेवलप करते हैं, मिलिट्री को स्ट्रांग करते हैं. तो ऐसे इस तरीके से रशिया जो है एक सुपर पावर बन पाती है,
बट हिज रूल वॉज एन ऑप्रेसिव वन. बट उनका रूल काफ़ी ऑप्रेसिव होता है, काफ़ी सारे लोग जो है उनको उनके अंगेंस्ट होते हैं, उनके ओपोनेंट्स काफ़ी सारे होते हैं. स्टालिन अलाइंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के अंदर स्टालिन जो होते हैं वो यूएसए एंड ब्रिटेन का साथ देते हैं. देन लेड टू द ईस्टर्न ब्लॉक अगेंस्ट यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न ब्लॉक है यानी ईस्टर्न कंट्रीज जितनी भी होती हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं वो सब जो है वो यूएसए के अंगेंस्ट हो जाते हैं कोल्ड वॉर के टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई वाज बर्लिन वॉल इरेक्टेड, व्हेन डिड इट फेल. बर्लिन वॉल वाज इरेक्टेड सराउंडिंग द एंटायरली ऑफ वेस्टर्न बर्लिन इन 1961 टू स्टॉप द एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ईस्ट जर्मनी टू वेस्ट. सो बर्लिन वॉल जो है वो बर्लिन शहर था जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट शहर. जैसे कि आपको पता है कि जर्मनी कंट्री हार गई थी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल के अंदर बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए थे जर्मनी पे. अब जर्मनी कंट्री को डिवाइड कर लिया गया था वेस्ट और ईस्ट पार्ट में, और उसके बीचों बीच एक जो वॉल है वो क्रिएट कर दी गई थी जिसको बर्लिन वॉल कहते हैं. ये बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में. ये वॉल इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग जो है वो ईस्ट से वेस्ट यूरोप तक जो है वो क्रॉस करके ना जा सके, और जो आइडियाज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, जो वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ईस्टर्न वाले पार्ट में ना पहुँच सके. दिस क्लोज्ड बॉर्डर बिकम द सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर. और यही एक जो बॉर्डर था ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट था कोल्ड वॉर का, जो किसके बीच में चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. द बर्लिन वॉल फेल ऑन 9 नवंबर 1989. ये दीवार जो है कब टूटी है, 9 नवंबर 1989 को, और यहीं से एक शुरुआत मानते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होना जो था उसका फर्स्ट इंसिडेंट जो है वो यही है. जैसे ही ये वॉल टूटती है धीरे धीरे ये क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है कि जो यूएसएसआर है वो वीक हो चुका है और ये जो कोल्ड वॉर है ये ख़त्म होगी और यूएसए जो है वो बन जाएगा सुपर पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज दैट लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ. सोवियत यूनियन लार्ज मिलिट्री एक्सपेंसेस वर अ हैवी बर्डन फॉर द सोवियत इकॉनमी. सोवियत कंट्री ने अपना सारा पैसा अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए लगाया जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत वीक हो गई. सेकेंड पॉइंट, सोवियत इन्वेंशन इन अफगानिस्तान अट्रैक्टेड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म एंड अलार्म्ड यूएसए. सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, उनकी पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया और उस एरिया को कैप्चर करना चाहा, जिसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया इंटरनेशनल लेवल पे और यूएसए भी अलार्म हो गया और उन्होंने भी एक्शन लिया उनके अगेंस्ट. थर्ड पॉइंट, राइजिंग प्रोटेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट यूएसएसआर. जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें यूएसएसआर के अगेंस्ट जो है क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया. फोर्थ पॉइंट है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी ऑफ गॉर्बाचेव, जो मैंने अभी आपके साथ पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट डिस्कस किया था, वो भी जो पॉलिसीज है रिस्पॉन्सिबल है यूएसएसआर को वीक करने के लिए और उसके डिसइंटीग्रेशन के लिए. जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ सिर्फ एक ही पावर बची, अमेरिका, और वहाँ से पता लगता है कि कोल्ड वॉर जो है अब ख़त्म हो चुकी है. नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिपोलर वर्ल्ड. अ यूनिपोलर सिस्टम इज़ वन वेयर द सिंगल ग्रेट पावर हैज़ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पावरफुल कंट्री है और जो कि कौन है, अमेरिका. तो उसको हम सुपर पावर कहते हैं जो मिलिट्रली, कल्चरली, एजुकेशनली हर तरीके से जो है वो स्ट्रांग कंट्री है. द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोलैप्स्ड ऑफ यूएसएसआर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ यूएसए एज अ वर्ल्ड सोल पावर. कोल्ड वॉर के टाइम में दो कंट्रीज पावरफुल थी, बट जैसे ही कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होता है, यूएसएसआर वीक होता है, तो सिर्फ एक कंट्री ही बचती है और इसी से जो है यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है 1991 से. और आज तक अभी यूनिपोलर वर्ल्ड ही चल रहा है, बट फ्यूचर में भी बोल रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज पावरफुल हैं ऐसा सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है. हिस्ट्री सिक्स सेमेस्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करने के लिए. आपके बुक में तो बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं. इस बार इतने क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि आपका जो ये बुक है इस बार इंटरनेशनल रिलेटेड है, काफ़ी सारे जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. अपनी तरफ से मैंने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पर प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना 2-3 बार और अगर हो सके तो नोट्स बना लेना. इस क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से कर लिया इसके बाहर कोई भी और क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज़ कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स. Have a nice day.